हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आप सभी बच्चा पार्टी को टेक्निकल क्लासेस के ऑनलाइन चैनल पे स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं उन स्टूडेंट्स के लिए जो सेकेंड सेमेस्टर में हैं और जिनका ग्रुप ए है, वैसे छात्र जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के हैं, जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के हैं और जो कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के, उन लोगों को एक सब्जेक्ट पढ़ना है जिसका नाम है मैथमेटिक्स टू। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो बिना मैथमेटिक्स के आप इंजीनियरिंग कर ही ना पाएंगे, चाहे आपका ब्रांच जो कुछ भी हो। ये सब्जेक्ट पिछले 10 सालों से मैं पढ़ा रहा हूं और एक बेहतरीन कंटेंट देने की हमेशा से कोशिश रही है। तो आज हम क्या करने वाले हैं इस सब्जेक्ट के ऊपर? तो आज हम आपको सिर्फ सिंपल बात बताएंगे कि ये जो सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट में हम लोगों को पढ़ना क्या क्या है। मतलब आज हम इंट्रोडक्शन देने वाले हैं सिलेबस का। तो इस सब्जेक्ट में बच्चा पार्टी टोटल हम लोगों को 4 यूनिट पढ़ाई करने हैं। एकदम सिंपल यूनिट है। हाँ, ये कहीं ना कहीं इसको हम बोल सकते हैं, ये जो आपका मैथमेटिक्स 1 जो सब्जेक्ट था, जो आप फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़े हैं, उससे थोड़ा सा, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा हार्ड तो है। इसलिए यह हार्ड है क्योंकि इसमें हम लोगों को सबसे जो पहला यूनिट पढ़ना है वह डिफरेंशियल कैलकुलस पढ़ना है। मतलब डिफरेंशिएशन से रिलेटेड सारी बात होगी इसमें। फिर हम लोगों को इसमें इंटीग्रल कैलकुलस पढ़ना है। इसमें हम लोगों को डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ना है और इसमें हम लोगों को वेक्टर एलजेब्रा पढ़ना है। अब बच्चा पार्टी सोचता है कि अरे तो बहुत आसान हो गया, इस बार हम लोगों को 4 यूनिट पढ़ना है। बिल्कुल, 4 यूनिट तो हम लोगों को पढ़ाई करनी है। तो हमारी स्ट्रेटर्जी क्या होगी पढ़ने की, हमारा तरीका क्या होगा पढ़ने का, हम किस तरीके से पढ़ेंगे कि ज्यादा से ज्यादा मार्क्स स्कोर कर पाए। तो अगर हम बात करते हैं बच्चा पार्टी पहला यूनिट का, तो पहले यूनिट में 4 चैप्टर हम लोगों को पढ़ाई करने हैं, जिसमें से पहला यूनिट जो है डिफरेंशियल कैलकुलस, उसमें हम लोगों को जो सबसे पहला चैप्टर पढ़ना है वह पढ़ना है फंक्शन। फंक्शन में हम देखेंगे कि किस तरीके से डोमेन और रेंज को निकालते हैं, है ना? ये एक इंपॉर्टेंट व्यू हो जाता है एग्जाम पॉइंट। तो बच्चा पार्टी, ये जो फंक्शन है, फंक्शन से सिर्फ ऑब्जेक्टिव पूछता है, वो भी 2 मार्क्स का, ना ही कोई 4 मार्क्स क्वेश्चन और ना ही कोई 6 मार्क्स वाला क्वेश्चन। लेकिन हाँ, आपको भले एग्जामिनेशन में 2 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव पूछता हो, लेकिन इस 2 मार्क्स को ऑब्जेक्टिव को जानने के लिए कम से कम हम लोगों को 5 क्लास यहां पर देना पड़ेगा, तब जा करके हम सीख पाएंगे कि किस तरीके से ऑब्जेक्टिव उसका बनाते हैं, मतलब कि डोमेन और रेंज का कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है सर, ये तो हम लोग हो जाएगा, इसके बाद क्या पढ़ना है? इसके बाद हमको जहां तक लगता है कि मैथमेटिक्स 2 का जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर मेरे लिए वह पढ़ना होगा, जिसका नाम है लिमिट। लिमिट की अगर हम बात करते हैं बच्चा पार्टी, तो आम तौर पर ऐसा देखा गया है कि 12 से 13 नंबर का सवाल पूछता है इससे। इससे 2 से 3 ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन रहते हैं, एक क्वेश्चन 4 मार्क्स से रहेंगे और एक क्वेश्चन 6 मार्क्स का रहेगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि तो जब तक आप ये नहीं सीख पाएंगे ना, तब तक आप ये नहीं सीख पाएंगे कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी से ना ही ऑब्जेक्टिव है, ना ही 4 मार्क्स है, सिर्फ और सिर्फ क्या है, 6 मार्क्स का है। तो लेकिन एक बात हम आपको पहले ही बता दे रहे हैं, ये जो 6 मार्क्स का क्वेश्चन है ना, आप देखे होंगे कि और में होता है, तो एक वो ऑब्जेक्टिव रहेगा इसमें, जो ये लिमिट का एक क्वेश्चन रहेगा और उसके और में ना कंटिन्यूटी का क्वेश्चन रहता है। ठीक है, लेकिन जब तक आप लिमिट सीखेंगे नहीं, तब तक कंटिन्यूटी आपसे बनेगा नहीं। तो
तो कंटिन्यूटी तो 6 मार्क्स का क्वेश्चन तो आता ही है, लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन हो जाता है हमारे लिए, लिमिट हो जाता है, ठीक है। लेकिन जैसे ही ये तीसरा चैप्टर कंप्लीट होता है पहले यूनिट में, तो फिर हम लोगों को डिफरेंशिएशन पढ़ना होता है। अब डिफरेंशिएशन को भी अगर देखते हैं तो 14 से 15 नंबर का सवाल आमतौर पर डिफरेंशिएशन से पूछा जाता है। तो एकदम धीरे धीरे कर करके हम लोग ये सब कुछ पढ़ाई करेंगे, ताकि हम लोग शुरुआत से ही इस लेवल तक चले जाएंगे कि क्वेश्चन को हम सॉल्व कर पाए। आपने देखा होगा इस बार का जो क्वेश्चन का लेवल है वह थोड़ा सा हाई करा गया है, और किस तरीके से पढ़ाई होता है हमारे यहाँ ये आप जानते हैं। तो उसी तरीके से एकदम शुरुआत से जुड़ के और धीरे धीरे पढ़ाई करना है, ताकि एग्जामिनेशन समय तक जाते जाते तक पूरा पढ़ ले। तो ये तो यूनिट नंबर 1 की बात हो गई। अब हम बात करते हैं यूनिट नंबर 2 की। तो यूनिट नंबर 2 में हम लोगों को बच्चा पार्टी 3 चैप्टर्स पढ़ने हैं, इनडिफिनिट इंटीग्रेशन, डिफिनिट इंटीग्रेशन और एरिया बाउंडेड बाय कर्व्स। टोटल 3 चैप्टर हो गए। अगर हम बात करते हैं इनडिफिनिट इंटीग्रेशन का, तो इनडिफिनिट इंटीग्रेशन से 2 से 3 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के आते हैं, 1 क्वेश्चन 4 मार्क्स के आएंगे और 1 क्वेश्चन 6 मार्क्स के आएंगे। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं तुमको ये बात मानना पड़ेगा कि अगर आप डिफिनिट इंटीग्रेशन सीख गए तो इसका मतलब आप इनडिफिनिट सीख गए तो अब आप डिफिनिट आसानी से बना सकते हैं। अब इसमें हम लोगों को ऑब्जेक्टिव 2 से 3 मार्क्स का, 4 मार्क्स का 1 क्वेश्चन, 6 मार्क्स का 1 क्वेश्चन पूछता है, जो कि बहुत ही आसान है। अगर आप इनडिफिनिट सीख गए तो आप डिफिनिट सीख गए तो फिर आपके लिए एरिया बाउंडेड बाय कर्व बहुत ही सिंपल हो जाएगा, जो कि एग्जामिनेशन में सिर्फ 6 मार्क्स का आता है 1 क्वेश्चन। तो आसान है, आसानी से हम लोग इसको कर भी लेंगे। हाँ, अब हम लोगों को यूनिट नंबर 3 में चलना है। जो यूनिट नंबर 3 है यह सबसे छोटा यूनिट है। हाँ, देखने में, पढ़ने में, लेकिन नंबर के मामला में ये ऐसा है कि 6 और 2 8 और 1 9, मतलब 8 से 9 नंबर का सवाल यहां से पूछा जाता है, जो कि नाम है डिफरेंशियल इक्वेशन। ये अपने आप में एक डर है। जैसे हम लोग देखते थे ना, जब हम लोग कुछ दिन पहले, कुछ साल पहले का बात बता रहे हैं, कि एक एमएस धोनी का डर होता था, वो मैदान पर खेलने आते थे, वही डर है यहां पर डिफरेंशियल इक्वेशन का। टोटल कितने मार्क्स के सवाल आने वाले इससे, तो 8 से 9 नंबर का। जो सबसे इजी चैप्टर है, जो सबसे आसान चैप्टर है, वह चैप्टर कुछ और नहीं वेक्टर एलजेब्रा है, जो कि हमारा सबसे लास्ट यूनिट है। तो ये जो वेक्टर एलजेब्रा है, इसमें हम लोग कुछ कुछ फिजिक्स 1 में पढ़े हैं, लेकिन ये जो फिजिक्स 1 में हम लोग पढ़े हैं वह फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़े हैं। यहां पर हम लोगों को मैथ्स के लिए पढ़ाई करना होगा, क्लियर है। इससे भी अगर देखा जाए तो 1 6 मार्क्स का, 1 4 मार्क्स का और 1 2 से 3 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो अगर आप ढंग से पढ़ेंगे ना बच्चा पार्टी, तो आप किसी भी तरीके का एग्जाम क्वेश्चन क्यों ना आए, आप आसानी से दे पाएंगे। आपने ब्रह्मास्त्र देखा, आपको अनुमान लगा होगा कि हाँ, किस तरीके से क्लास होता है, किस तरीके से पढ़ना चाहिए और एग्जामिनेशन में बेहतरीन कैसे करना चाहिए। जहां तक बुक का बात है ना बच्चा पट्टी, तो बुक के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, तो 2 बुक हम लोग यहां पर देखेंगे, है ना। हालांकि आपके इस सब्जेक्ट के लिए जिससे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है, फाउंडेशन पब्लिकेशन और 1 झुनझुनवाला, ये 2 बड़ा इंपॉर्टेंट है। लेकिन हाँ, आपके पास केसी सिन्हा का बुक हो, आपके पास आरएस अग्रवाल साहब का बुक हो, तो आप उस
का भी बुक लेकर के आसानी से क्वेश्चन बना सकते हैं। तो बच्चा पाठी 20 तारीख से मतलब 20 फरवरी से आपका क्लास स्टार्ट होने जा रहा है, आप क्लास को ज्वाइन करें और इस वीडियो को जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।